सितंबर महीना कहाँ आया पता ही नहीं चला. विद एवरी न्यू थिंग दैट यू रिपीट एंड यू डू इट रिपीटेटिवली यू इम्प्रूव ऑन इट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच. वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स. तो मैं जानता हूँ बहुत दिन हो गए कैमरा उठाए हुए, हम लोगों को बात किए हुए, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. 3-4 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला ना कोई शॉर्ट डाला. दैट वाज बिकॉज आई वाज इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. बहुत बिजी चल रहा था, ऑफिस भी बहुत हेक्टिक चल रहा सा था, तो घर आते आते बहुत लेट हो जाता था. बट नेवर द लेस वी हैव अ फ्यू थिंग्स लाइंड अप जो मैं आगे जाके धीरे धीरे शेयर करता हूँ. बट सबसे पहले हम लोग जाके थार को वॉश कराते हैं यार. एक हफ्ते से मतलब जैसे सैटरडे को हम लोग ट्रिप पे होके आए थे, फिर संडे को आप लोग ने व्लॉग देखा होगा, तो संडे से लेके अभी आज कौन सा दिन है, टुडे इज फ्राइडे, सो संडे से लेके फ्राइडे तक गाड़ी की यही हालत है. सिर्फ एक दिन गाड़ी निकली थी, बाकी 2 दिन मैं वर्थेस में गया था ऑफिस, तो गाड़ी टेक्निकली मैंने निकाली ही नहीं है, बट गाड़ी की ये हालत है अभी. तो देखते हैं, हमारे पास कुछ आधे घंटे का मार्जिन है, सो फटाफट से चलते हैं, गाड़ी को ऊपर ऊपर से वॉश कराते हैं एंड देन भागते हैं. फिर रास्ते में मैं आपको बाकी की चीजें बताता हूँ. जब गाड़ी ऐसी गंदी पड़ी होती है ना तो इतना बुरा लगता है. तो फिलहाल बस यही है, फटाफट से गाड़ी वॉश कराते हैं. टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है तो मैंने भैया को बोला कि एटलीस्ट अंदर वाला छोड़ दो, अंदर से गंदी है. और एनी विच वेज हम लोग का जो प्लान है ना उस हिसाब से इस वीकेंड वापस से गाड़ी गंदी ही होने वाली है. तो मैंने उनको वही बोला कि एटलीस्ट बॉडी वॉश कर दो ताकि हम लोग अगर धूप में बाहर जाए तो कम से कम गाड़ी तो अच्छी दिखे. तो यहाँ से वॉश करा देते हैं, हल्का फुल्का अंडर बॉडी में पानी मरवा दूंगा. ज़्यादा डिटेल में वॉश आज नहीं करवा रहा, द रीज़न बिहाइंड दैट इज हम लोग एनी विच वेज वीकेंड में वी आर गोइंग टू डू समथिंग एडवेंचरस. क्या आपको ऑलरेडी पता है, सम थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो एंड कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बाद में बताता हूँ, बट एटलीस्ट सबसे पहले ये काम ये वाला काम निपटाते हैं. ये हो चुका है, अब इसके बाद में आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिशन दिखाता हूँ जो मुझे फील होता है जो सबसे बेस्ट ट्रांजिशन है. हाय, ये जो फीलिंग होती है ना, इट इज जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स. जब गाड़ी एकदम गंदी कीचड़ में गंदी हुई होती है एंड उसके बाद जब आपको गाड़ी साफ सुथरी देखने को मिलती है, ये जो खुशी है ना, ये खुशी इस वजह से है. फटाफट से गाड़ी नीचे उतारते हैं, साफ कराते हैं और फिर पार्क करते हैं. यार काली गाड़ी जब एकदम चमचमाती हुई होती है ना, उस टाइम पे उसे लेके जाने की फीलिंग ही अलग लेवल की होती है. इट इज सो ऑसम, इतनी मस्त. आज वेदर भी थोड़ा अच्छा है, सनलाइट है, तो सनलाइट के अंदर काली चमचमाती हुई गाड़ी लेके जाने का जो मजा है ना, इट इज नेक्स्ट लेवल. ये मजा ज्यादा नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 10 किलोमीटर आप गए और रास्ते में थोड़ी सी धूल मिट्टी क्या हो रही, गाड़ी आपकी वापस से धूल वाली हो जाएगी. यार ये प्रॉब्लम है ब्लैक कलर के साथ, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो अगर काली गाड़ी पालनी है तो इतना तो करना पड़ेगा. एनीवे, इसी के साथ मैं अभी मेरे काम के टूवर्ड्स निकल रहा हूँ. बट 2 मेजर अपडेट दे रहे थे मुझे, वो अपडेट ये थे कि एक्चुअली 3 मेजर अपडेट है, तीसरा वाला मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, आई वॉन्टेड टू बी अ सरप्राइज. अगर वो कैपिटलाइज होता है तब की बात, तब अगर नहीं होता तो विल ड्रॉप द प्लान. सो थर्ड थिंग मैं अपने तक ही रख रहा हूँ, आई टेल यू 2 मेजर अपडेट्स. वन इज दैट बाई द एंड ऑफ दिस मंथ वी आर प्लानिंग अ बिग ट्रिप. व्हेन आई से अ बिग ट्रिप इज एक लंबा ट्रिप हम लोग प्लान कर रहे हैं. वो गाड़ी से होगा या नहीं होगा थोड़ा टेंटेटिवली हम लोग अभी सोच रहे हैं, हमने अभी तक एकदम फाइनलाइज नहीं किया, बट लेट सी वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. सो एक मस्त वाला प्लान हम लोग हमने सोचा है, कुछ तकरीबन 10 दिन का एक मस्त प्लान हमने किया है. सो वी विल डू दैट. देयर इज अ फैमिली फंक्शन ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड की हमने. बताऊंगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग्स. बट बिफोर दैट द फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू टेल वाज कि इस वीकेंड हम लोग ने एक मस्त वाला प्लान बनाया. मस्त वाला प्लान ये है कि शिव यदु और उन लोग के साथ, पहले आप लोग चैनल पे मिल चुके हैं उन लोगों को, इफ यू फॉलो द चैनल, तो उन लोगों के साथ हमने एक मस्त वाला कैंपिंग का प्लान बनाया है. जैसे हम लोग, अगर आप चैनल पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हम लोग ने कैसे राजमाची के लिए हम लोग एक बार पूरा नाइट का हम लोग ने वहां पे कैंपिंग का प्लान किया था. टेक्निकली नॉट कैंपिंग बट एक नाइट आउट जैसा, समथिंग सिमिलर वी हैव प्लान दिस टाइम. बट दिस टाइम हम लोग थोड़ा और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, सी विथ एवरी न्यू
थिंग दैट यू रिपीट एंड यू डू इट रिपीटेटिवली यू इम्प्रूव ऑन इट. सो सिमिलरली हमने कुछ नया किया था लास्ट टाइम जो हम सबके लिए फर्स्ट टाइम था, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर इम्प्रूविंग. सो इस बार हम लोग ने और अच्छे से प्लान किया है, लेट्स होप कि हम लोग और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाए. सो वही है कि कैंपिंग का प्लान है हम लोगों का, वी आर वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दैट. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो दो मेजर अपडेट अगेन, एक इस वीकेंड हम लोग मस्ट कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं, एंड सेकेंड उसके बाद इट इज फॉलोड बाई अ माइंड ब्लोइंग ट्रिप वन ऑफ द बेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया. सुबह से शाम कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता ना. सिमिलरली सितंबर महीना कहाँ आया पता ही नहीं चला. मतलब सितंबर, वी आर सिटिंग इन मिड ऑफ सितंबर राइट नाउ. 3 महीने के अंदर ये साल खत्म हो रहा है. कितनी सारी चीजें कर रही है ना जिंदगी में, बट साला टाइम इतना फटाफट जा रहा है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा. एनीवे तो अभी घर वापसी चल रही है अपनी, और वही घर वापसी मतलब आधा ट्रैफिक में फंसे हैं, तो ट्रैफिक को कट करते हुए फटाफट अभी घर पहुंच रहा हूँ. टाइम हुआ है 8 बजे है अभी. तो ऑल इन ऑल यही था आज मुझे व्लॉग में थोड़ा, मैंने कहा बहुत टाइम से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सो आई रियली वांटेड टू रिकॉर्ड. आई वांटेड टू टेल यू ऑल की व्हाट आर आवर नेक्स्ट प्लान्स. ऐसा नहीं है कि हम लोग और कुछ प्लान नहीं कर रहे, डे इन डे आउट कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है. सो राइट नाउ द प्रायोरिटी इज के कल हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, वो सबसे बड़े प्रायोरिटी है, वो सबसे बड़ा प्लान है अभी के लिए. तो उसके लिए बहुत सारी अलग 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 तैयारियां चल रही है. वहां पे खाने पीने में क्या ले जाना है, पानी कैसे ले जाना है, और कौन कौन सी चीजें ले जानी है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, लोकेशन क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगा. और बहुत सारी तैयारियां हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन. सो जो नेक्स्ट हम लोग का ट्रैवल प्लान है दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट. तो वो क्या है क्या नहीं वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो सितंबर एंड के अंदर होने वाला है. बट सबसे पहले चलते हैं अपना ये वाला ट्रिप खत्म करते हैं, और रियली एक्साइटेड फॉर दैट. सो अगर आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा प्लीज यू लाइक द वीडियो, शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक श्योर यू कमेंट योर थॉट्स बिलो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज make sure you live your dreams, living dreams.